फ्रैक्शन डिवीजन, जैसे हमारे पास है 3/5 डिवाइडेड बाई 2/7, इसके लिए हमें सबसे पहले 3/5 एज इट इज़ लिख देना है और डिवाइड को चेंज कर देते हैं हमेशा टाइम्स में। जब टाइम में चेंज करते हैं तो ये जो नंबर है इसका ओपोजिट लिख देते हैं, यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो जो इसमें होगा न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है इस तरह। यानी कि 2/7 की जगह पर आपने 7/2 लिख देना है। अब सिमिलरली देखना है कि ऐसे कोई क्रॉस हो सकती है, कटिंग नहीं होती, इससे भी चेक किया नहीं होती है, तो जैसे आपने इसको सॉल्व कर दिया, 7 × 3 = 21 एंड 5 × 2 = 10, और इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।